हाँ तो थ्री टेन देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। नेट क्यों नहीं चल रहा? अच्छा तो ना मुझे ना ऐसी इलस्ट्रेशन बनानी है, ऐसी इलस्ट्रेशन डिजाइन करनी है। और ना हमारे पास टास्क क्या है, ऐसी इलस्ट्रेशन बनानी है मेरे को। और टास्क क्या है, सेम ग्रेडिएंट मिलाना है, मतलब सेम ऐसा ही ग्रेडिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ना अपन ग्रेडिएंट समझ लेते हैं। इसमें ग्रेडिएंट का ऑप्शन कहाँ पर है? हाँ सबसे पहले मैंने क्या करा, ग्रेडिएंट देखा। ग्रेडिएंट के लिए मैं ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ग्रेडिएंट की शॉर्ट की है Ctrl F9। Ctrl F9 शॉर्टकट है ग्रेडिएंट का। ठीक है, आपने बस क्या करना है, ऐसे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रेडिएंट आ जाएगा। इस तरीके से डिफॉल्ट ग्रेडिएंट ये कलर का आ गया। आपको क्या करना है, सेम कलर बनाना है, ये ब्लू ये वाला। ठीक है, तो ग्रेडिएंट देखो हमारे पास ना दो तरीके के होते हैं, इसमें से तीन तरीके के ग्रेडिएंट है। इसमें एक और ऑप्शन आ गया, ये वाला फ्री ट्रांसफॉर्म, इसे बाद में देखेंगे। अभी हम दो ग्रेडिएंट समझते हैं, एक है लीनियर और एक है रेडियल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रेडियल ग्रेडिएंट पे क्लिक कर दिया। जो तो आपने क्या करना है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक रेक्टेंगल बनाओगे। ठीक है, आप रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने इस पे ग्रेडिएंट चाहिए, सेम ग्रेडिएंट बनाना है हमें। ठीक है, तो आपने ना Ctrl F9 की दबानी है। Ctrl F9 की दबाओगे तो यहाँ पे ग्रेडिएंट टूल ओपन होके आ जाएगा। शॉर्टकट क्या है ग्रेडिएंट की, इलस्ट्रेटर में Ctrl F9। आपने क्या करना है, फिर इसके बाद यहाँ क्लिक करना है ऐसे। तो देखो जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास तीन तरीके के ग्रेडिएंट दे रखे हैं इसके अंदर। एक लीनियर दे रखा है, एक रेडियल के दे रखा है, और यहाँ पे फ्री फॉर्म दे रखा है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रखा है, यहाँ से लाइट है, यहाँ से थोड़ा डार्क हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल सेम ग्रेडिएंट सेट करना है इसका। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। कलर के ऊपर दो बकेट है ना, व्हाइट कलर और एक ब्लैक कलर। हमने क्या करना है, व्हाइट कलर पे क्लिक करना है। आई ड्रॉपर टूल लिया, आई दबा के अगर मैं नॉर्मल क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा एक सॉलिड कलर दे देगा। पर मुझे सॉलिड कलर नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसा ब्लैंड कलर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लक्ष्य लक्ष्य इसको बोलना जरा, हाँ इसको बोलना, लक्ष्य इधर आ जा, चेंडे क्या जरूरत है। तो शॉर्टकट क्या बताई मैंने ग्रेडिएंट की शॉर्ट की बताई मैंने Ctrl और F9। Ctrl F9 शॉर्टकट है ग्रेडिएंट का। जैसे ही हमने Ctrl F9 किया तो तीन ऑप्शन आ गए, लीनियर, ये जो इसे बोलते हैं लीनियर ग्रेडिएंट, इसको बोलते हैं रेडियल ग्रेडिएंट, और इसको बोलते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडिएंट। तो जब मैं लीनियर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट कलर आ रहा है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ब्लैक व्हाइट आ रहा है, और जब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अलग इस, अभी इस पर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, अब ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अपने को कौन सा चाहिए, देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ये राउंड भी शेप आ रखी है। तो ये कौन सा ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है। अगर आपको जैसे सेम कलर चाहिए तो सेम कलर के लिए देखो यहाँ व्हाइट कलर दे रखा है, यहाँ ब्लैक कलर दे रखा है।
अगर मुझे ये चीज इधर बेचनी है, ये चीज इधर बेचनी है, तो मैं यहाँ पे रिवर्स के बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, फ्लिप हो गया। तो ये रिवर्स का बटन कहाँ पे, ये दे रखा रिवर्स का बटन, इस पे क्लिक किया, वापस रिवर्स का आ गया। मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ ब्लैक पे क्लिक करा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये सब कुछ हाईलाइट हो जाएगा। एक ये आई ड्रॉपर टूल भी आ रहा है, या फिर मैं नॉर्मल आई भी दबा सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर दूँ तो क्या हो जाएगा, पूरे पे सॉलिड कलर आ जाएगा, पर सॉलिड नहीं, मुझे मिक्स वाला कलर चाहिए था। तो हम ना क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेके शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे। तो जब मैंने शिफ्ट दबा के क्लिक किया तो क्या हुआ, ये बकेट तो ऐसे कैसी रही, ये वाली बकेट में क्या हो गया, ये वाला कलर आ गया, ठीक है। सेकंड मुझे क्या चीज चाहिए, लाइट कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लिक करा, आई ड्रॉपर टूल लिया और शिफ्ट दबा के मैंने ये वाला कलर दे दिया। तो देखो ये क्या हो गया, थोड़ा ग्रेडियंट इसी तरीके का आ रहा है, ठीक है, जो सा हमें कलर चाहिए। पर क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा लाइट हो रहा है मेरे में, यहाँ पे ज्यादा पैसा आ रहा है। तो मैंने क्या करा, एक यहाँ पे ना और क्लिक किया, जब मैंने एक और क्लिक किया तो क्या हो गया, एक और बकेट ऐड हो गई है। अब मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखो थोड़ा सा और लाइट हो गया हमारे पास, ठीक है। और थोड़ा व्हाइट शेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक बकेट पे और क्लिक करा और आई ड्रॉपर टूल लेके मैंने थोड़ा सा व्हाइट वाला एरिया ले लिया, और ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है ग्रेडियंट, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, समझ में आया। तो ग्रेडियंट हमारा इस तरीके से बन गया। आप ऐसे कितनी भी बकेट ऐड कर सकते हो, आप ऐसे कितनी भी बकेट ऐड कर सकते हो, जहाँ क्लिक करोगे आप सिलेक्ट करने के बाद। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है। ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये ना इसके लेवल को कम ज्यादा करने के लिए, अगर मुझे पतली सी एक लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पुश करके इधर ले जाऊंगा, इसको पुश करके यहाँ ले जाऊंगा ऐसे। तो ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, पर मुझे थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए बस। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और मैंने ये वाला कलर दे दिया। तो देखो ये ऐसा कुछ सर्कल सा बन के आ गया हमारे पास। तो यानी आप इस तरीके से ग्रेडियंट सेट कर सकते हो। आपको हटाना है कोई ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो आप पिक करना और नीचे की तरफ पुश कर देना, तो ये ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आपको डुप्लीकेट करना है ग्रेडियंट, यही वाले की एक और कॉपी चाहिए, तो ऑल दबाना, ऑल दबा के ऐसे ड्रैग कर देना, तो ये देखो ग्रेडियंट हमारा यहाँ डुप्लीकेट हो गया। नहीं चाहिए, रिमूव कर देना। अगर आपको कॉर्नर, ये जो बीच का है ना एरिया, वो मुझे ट्रांसपेरेंसी करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्लिक करना, जैसे कहाँ पे किस पे बीच वाले पे ट्रांसपेरेंसी करना है, बीच वाली बकेट कौन सी है, ये वाली। तो आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे ऑपेसिटी का ऑप्शन है, आपने इसको जीरो कर दिया, तो बीच में क्या हो गया, ब्लैंक हो गया हमारा ये। ऐसे ही ये बकेट भी ब्लैंक करनी है, आपने यहाँ पे क्लिक करा और जीरो कर दिया, यहाँ क्लिक करा जीरो कर दिया। तो देखो ये क्या हो गया, इतना एरिया ब्लैंक हो चुका है। अभी मैं चेक करूँ इसे उठा के यहाँ पे कुछ करें, तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको कलर चाहिए था तो आपने यहाँ पे कलर दे दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, ऐसा बैकग्राउंड बन गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ रख लेता हूँ। अच्छा एक तरीका और भी है, आप जी दबाना, जी दबाओगे तो यहाँ पे ऐसे ग्रेडियंट ही ऐसे ओपन हो जाएगा, जब फिल कर लोगे ना तो ऐसे जी दबाने से ग्रेडियंट आ जाएगा। आप ना इसको क्या कर सकते हो, ऐसे मूव करा सकते हो, ऐसे डाउन कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, इसकी पोजीशन को कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, ऐसे ब्लेंड कर सकते हो। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, तो सेट हो गया प्रॉपर ये। इसको मैं यहाँ पे स्क्रीन के यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। तो ये ग्रेडियंट हमारा इस तरीके से सेट हो गया है, देखो ऐसा कुछ आ गया है। मैं फिर भी और भी थोड़ा ठीक करता हूँ, देखो ऐसी शेप हो गई है इसकी। तो मैंने इसे सर्कुलर बना दिया, सर्कुलर बनाने के लिए मैंने यहाँ से पकड़ के, यहाँ से कैसे चाहिए हमें ऐसे सर्कुलर टाइप का रख लिया, यहाँ पे सर्कल की शेप दे दी। और एक्सपेंड करना है तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, और इसको इस तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हो, यहाँ पे एक्सपेंड हो गया हमारे पास। तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही ग्रेडियंट आ गया हमारे पास, बिल्कुल सेम सा लग रहा है ना। अब मुझे ये वाला ग्रेडियंट चाहिए, ये जो पीछे आ रहा है ये रहा, ठीक है। तो अगेन मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल हमेशा ऑल्ट और शिफ्ट दबा के बनाना चाहिए, से सेंटर पॉइंट से बनता सर्कल, ठीक है। अब मैंने क्या करा इसके अंदर, अब मुझे ये देखो लाइन वाला ग्रेडियंट आ रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है। तो आपने ना क्या करना है, यहाँ पे ये वाला क्लिक कर देना है, तो इससे लाइन वाला ग्रेडियंट आ जाएगा, ये वाला है ना। आपको सेम कलर चाहिए तो आपने देखो एक तो तरीका है कि आप आई ड्रॉपर टूल लो, शिफ्ट दबा के क्लिक करो, ठीक है। या एक तरीका और है, आप ये वाला टूल ले लो और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक करके ये कर दो, तो आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। अगर आप आई ड्रॉपर टूल वैसे लेते हो और नॉर्मल क्लिक करते हो तो पूरा सॉलिड कलर आ जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया,
यहाँ पे हमने क्या करा, ये वाला कलर दे दिया। अगेन मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ मैंने ये वाला कलर दे दिया, और अगेन मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ये वाला दे दिया। एक सेकेंड। हाँ प्रज्ञा, हाँ प्रज्ञा बोलो। हेलो, ठीक है ठीक है। तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। पर तो मुझे ना अब दिक्कत क्या आ रही है, इसका एंगल देखो कैसा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो ग्रेडियंट है वो हमारा मतलब इस तरीके से जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ना एंगल चेंज कर देंगे, 90 डिग्री लिख देते हैं। तो जैसे ही मैंने 90 डिग्री लिखा तो कुछ फर्क आया, तो देखो ये ऐसा कुछ हो गया। पर अगर मैं -90 डिग्री लिख देता हूँ और एंटर मार देता हूँ, तो ये हमारा कुछ ऊपर से आ रहा है। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया, ये ऐसा कुछ हो गया। इस वाले को मैंने थोड़ा नीचे रख दिया, तो देखो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ थोड़ा ब्लू कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ये जो ऊपर वाला जो है ना टोलर, इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर दूंगा, तो देखो यहाँ ब्लू आ रहा है सेम। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। तो ये देखो ऐसा बन रहा है हमारे पास। कलर ऐड करने, सर हाँ हाँ बोलो, सर किस शेप पे? हाँ वो भी ले रहा हूँ, वो भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एसी को ड्रैग किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, शिफ्ट दबा के, मैं इसलिए करा रहा हूँ, मैं इनको ना प्रांजल को और दो तीन बच्चों को वहीं का भेज रहा हूँ, फिर ना काफ़ी सारी वैकेंसी है, 50 लोग चाहिए मैं। हाँ 50 लग गए, 50 और बचे। ठीक है, तो ये आ गए इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब मुझे ना यहाँ पे ना ग्लो दिखाना है पीछे। चलो ग्लो का पार्ट वैसे अलग है, देख लेते अपन फिर भी। तो मैं एक काम करूंगा, ग्लो दिखाने के लिए मैं ऐसे की कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी दबा के, और कंट्रोल बी से बैक में पेस्ट हो जाता है, तो कंट्रोल बी दबाया तो बैक में पेस्ट हो गया। यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे मैं ना एक काम करूंगा, ब्लर यूज कर लूंगा, गॉसियन ब्लर यूज कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो गॉसियन ब्लर से ना थोड़ा ग्लो सा दिखेगा ये, सेम कलर का। तो यहाँ से ग्लो कर दिख रहा है, सेम कलर का ग्लो आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो ये ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, हाँ बताओ, कर कौन बोल रहा है ये, बोल कर। हाँ तो हो सकता है उन्हीं का आ रहा होगा, मैंने भेज दिया, कर लो पे कर लो। ठीक है वो उठाएगा नहीं, उनका पर एचआर का टाइमिंग होती है उनकी। एक उठा लो, कोई उठा लो, फिर बाद में आ जाना, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैंने यहाँ कॉर्नर पे रख लेता हूँ। कॉपी पेस्ट, इसको मैंने छोटा कर दिया। अरे ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट, और इसको उठा के ना मैंने क्या करा, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। तो अरे वाह अच्छा लग रहा है, नहीं ग्लो करता हुआ। इसी की कॉपी कर लेते हैं अपन, इसको छोटा कर लेते हैं बिल्कुल। ये आ गया, चलो अब आते हैं इलस्ट्रेशन पे। अब देखिए पेन टूल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पेन टूल भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें अभी भी ना ऐसे नहीं कि आपने ना क्या करा, पेन टूल तो चलाना है, आपने क्या करा यहाँ से स्ट्रोक लिया और ऐसे ऐसे ड्रॉ करने लग गए, कभी भी ऐसे नहीं पेन टूल यूज करते। तो पेन टूल आपको यूज करना है, तो आपको ना कोशिश करनी है कम से कम पॉइंट बने। कैसे, ये तो हाथ कोई फर्क थोड़ा ना, आपको कोशिश करनी है कम से कम पॉइंट बने। देखो आपको ये देखना है कहाँ से कहाँ तक कर्व हो जाएगा। तो आपने क्या करा, यहाँ क्लिक किया, ऐसे यू ड्रैग करा इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ क्लिक किया, आगे बढ़ गए, ये ऐसे आ गया,
देखो कम से कम पॉइंट बनाने हैं आपको, ये चीज देखना है पॉइंट कम से कम बनने चाहिए। देखो यहाँ से क्लिक किया और यू ड्रैग, और जो शेप है ना वो जब लास्ट पॉइंट जब जाता है हमारा, अब जैसे ये स्टेट जा रही है तो आपको ना ऐसे ड्रैग करके बिल्कुल स्टेट सामने रखनी है, ताकि जो दूसरा पॉइंट बनेगा ना अंदर वो बिल्कुल स्टेट जाए। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आगे बढ़े यहाँ पे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, अगेन क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दिया ऐसे, मैंने यहाँ पे मैंने ऐसे क्लिक किया, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया इस तरीके से, अगेन यहाँ क्लिक करा ऐसे। चलो अब यहाँ पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, तो मैंने यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दिया। अच्छा ये वाली शेप देखो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही चली जाएगी, तो मैंने ना यहाँ पे ऐसे ब्रेक नहीं करा, मैंने यू ड्रैग कर दिया ऐसे, तो ये देखो बिल्कुल सही चली गई है। कंट्रोल दबा के ना आप इसको हैंडल कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे हैंडल कर सकते हो, तो कम से कम पॉइंट बनने हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा कर्व दे दिया और यहाँ से मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। अब इसको मैंने और यहाँ से शेप दी ऐसे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे मुझे ना ब्रेक पॉइंट करना पड़ेगा, आगे बढ़ेगा यहाँ से, तो कम से कम पॉइंट बनाने, तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट ऐसे क्लिक करके ये ड्रैग कर सकता हूँ ऐसे, और जो ये जो पॉइंट बनेगा ऐसे ही लास्ट में इस तरीके से जाएगा, ताकि ना सामने बिल्कुल पॉइंट हमारा बिल्कुल सामने दिखाई दे ऐसे। यहाँ पे मैं इस तरीके से रख लेता हूँ इसको, अगेन इसको देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने ये देखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से शेप है। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ ठीक है मैं बता, हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ ना, वही मैं इसलिए ग्रेडिएंट करा रहा हूँ। हाँ ठीक है चल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो मैंने ऐसे सेट किया, और यहाँ से ये शेप दे देते हैं, यहाँ से ये शेप दे देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से रख लिया हमने, और यहाँ से सेट कर लेते हैं। कम से कम पॉइंट बनाने हैं आपने पेन टूल में, और ना कंट्रोल दबा दिया करो, कंट्रोल से क्या हो जाएगा आप ना पॉइंट को वहीं की वहीं ना इस तरीके से सेट कर सकते हो। इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे, ये रहा, आगे बढ़ते हैं, ये आ गए, ये देखो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट मेरा डायरेक्ट जा रहा है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ब्रेक करूँ, तो इससे क्या होगा मेरे पॉइंट कम बनेंगे, तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को इधर रख दिया, हैंडल कर लेते हैं इस तरीके से। आगे बढ़े, ठीक है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट मेरा सही बना नहीं है, इसे मैं ठीक करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड, इसे मैं ऐसे रख लेता हूँ, ये पिक्सल दिख नहीं रहे हैं, वो आपको क्लियर ही देंगे मैं इस तरह से। यहाँ क्लिक करा, आगे बढ़े, ये देखो मुझे ना यहाँ पे मुझे लग रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रेक करने की, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं करा, कंट्रोल दबा के ऐसे सेट कर लेता हूँ।
पॉइंट मेरा सही नहीं बना। तो पेंटो सिर्फ ये नहीं कि आपने बस पॉइंट पॉइंट बना दिया और वो चीज बन गई, आपको ना पॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा कि फालतू पॉइंट ना बने, कम से कम पॉइंट कैसे बनेंगे वो चीज आपको इसमें देखनी है। अंशिका कोई ऐसा तरीका बताओ तुम्हारे पास कोई नंबर हो ताकि मैं तुम्हें लिंक भेज सकूं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे बहुत लेट आते हो तुम। अंशिका यहाँ से ऐसे सेट करा, ये आ गए और आगे बढ़ते हैं। इसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे खत्म कर देता हूँ। तो देखो हमने क्या करा, ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इसमें कलर चाहिए, कलर कैसा है इसके अंदर, देखो सॉलिड कलर नहीं है, इसके अंदर भी ग्रेडियंट है, तो इसको फिलहाल मैं ही उठा के यहाँ रख लेता हूँ। और अभी आई ड्रॉपर टूल से सेम कलर ले लेते हैं। तो देखो अभी ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, पर इसके अंदर क्या है थोड़ा सा ग्रेडियंट लुक आ रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसमें ग्रेडियंट दे देता हूँ। तो ग्रेडियंट देने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल F9 और यहाँ पे क्लिक करा, कंट्रोल F9 शॉर्टकट है ग्रेडियंट का, और यहाँ क्लिक कर दिया। तो अभी ऐसा आ रहा है ग्रेडियंट, लास्ट वाला जो यूज किया था वो आ जाएगा। नीचे क्लिक करोगे वो ड्रैग करोगे हट जाएगा। आपने यहाँ क्लिक किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक कलर आ गया। आपने यहाँ क्लिक करा, ये कलर आ गया दूसरा, ये हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने, इसे रिमूव कर दिया है। आई ड्रॉपर टूल लिया हमने और यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक किया, देखो ये ग्रेडियंट ऐसे सेट हो गया है। जी दबाया, जी से ग्रेडियंट आ गया हमारे पास। इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करा, इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। अच्छा यहाँ पे मुझे कलर ऐड करना है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कलर ऐड करना है तो हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। क्लिक किया मैंने यहाँ पे और इसका ना कलर थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये डार्क कलर कर दिया। वैसे आपको कोशिश करनी है यहीं से पिक करना है कलर। हाँ बस, तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेडियंट आ गया इस तरीके से, ये ग्रेडियंट आ गया। आ गया आपको समझ में? तो देखो हमारे पास ये ऐसी इलस्ट्रेशन बन गई है ना। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, जो तुमको टास्क में मिलेगा ना वैसा दिखाया था कोई डिजाइन में। हाय राम, तुमको कौन सा लेटर दिया था, वंशी का एस था ना? ठीक है मेरे पास आएगा। मदीना, हाँ कोई बात नहीं, ये था ना ऐसे, ये वाला ना, ये ऐसा ना भेजे जरा मुझे। अच्छा ही तो अच्छा है, हाँ तो मैं भेज रहा हूँ। अरे खोल के मत रखियो, उसी चक्कर में ना ये डिस्क्वालीफाई हो गई, इसके पास पहले से पहुंच गया था मदीना के पास, उस चक्कर में से ना सिस्टम में उसके दिख गया कि पहले से खेल रहा कंटेंट, तो इस चक्कर में ना हो गया इसका डिस्क्वालीफाई हो गया। वो स्क्रीन शेयर करनी थी, स्क्रीन शेयर करके वो पहले से ना सॉफ्टवेयर में खोल रखा था। चलो एक ये ले लेते, एक अपना भी वो भेज देना, ठीक है। चलो दोनों बना लेते हैं। पता है ड्रॉ तो हो जाएगा, पर इसमें भी ना ये चीज देखनी है हमें कि कम से कम पॉइंट कैसे सेट हो गए। तो चलो पहले अपने ड्रॉ कर लेते, पहले एच कर लेते फिर एस करेंगे। तो पहले एस करूं, एच करूं, एस करूं, तो पहले एस करते हैं। हाँ तो देखो सबसे पहले अपन ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करते टाइम क्या देखना पड़ेगा मुझे, पहले मैं लॉक कर लेता हूँ, कंट्रोल टू से लॉक कर लिया मैंने, पेन टूल लिया और यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लॉक कर लिया करो कि ना, ताकि वो इधर उधर मूव ना कर जाए ड्रॉ करते टाइम। वो तो कलर ना ऐसा लो जो दिखाई देता है, जो इसके ऊपर दिखाई देगा, तो मुझे दिखाई देगा इसके ऊपर ऐसा कुछ रंग बिरंगा सा कलर ले लेता हूँ ये ना। चलो वैसे हाँ बताओ, हाँ हाँ तो आप ना क्या करा करो, फिल को बंद रखा करो, स्ट्रोक में कलर रखा करो, ठीक है।
इस तरीके से करा करो। तो यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया, एक ये हो गया। अब देखो मैंने ये पॉइंट तो बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। यहाँ से मैंने इसको पॉइंट को यहाँ देखो, यहाँ तक मेरा हाथ मूव हो जाएगा मुझे पता है। तो मैंने इसको यहाँ रखा और मैंने कंट्रोल दबा के इसको हैंडल कर लिया इस तरीके से। ऐसे मैंने हैंडल कर लिया इसको। अरे यहाँ देखो दिक्कत कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो ब्रेक कर लो। हाँ तो आपने पॉइंट को ब्रेक कर दो, जैसे मैंने कर दिया ना ब्रेक। कैसे करा मैंने, यहाँ पॉइंट पे क्लिक करके ऐसे ब्रेक कर दिया, अब आगे बढ़े। हाँ तो ये सिर्फ पुराना नहीं दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया एक पॉइंट, और इसे मैंने ब्रेक करा, यहाँ पे जाके मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल सही बनाना, इसे सही से मैच कर देना। तो यहाँ देखो मैच नहीं करना मेरा, तो मैंने यहाँ पे मेन तो ना है तो इजी था, पर ना यही मेन चीज़ है कि सेम बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, सेम ग्रेडिएंट दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे, यही टास्क कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक, यही तो है, यही वाला तो है ना, यही वाला डिजाइन था ना। हाँ तो हो जाएगा 2 दिन लगेगा। ठीक है तो मैंने ऐसे सेट कर लिया, ठीक है। और अच्छा इसको मैं यहाँ से बाहर पूरा ऐसा ले लेता हूँ। पता है किसी का भी नहीं हुआ, कि सब सब रिजेक्ट हो गए, पता नहीं क्यों। एक के दो राउंड क्लियर हो गए थे, नहीं फर्स्ट राउंड क्यों, हाँ फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था निशान का। फोटोशॉप में ना उसे ना वो हटाने के लिए बोला, क्या नाम है जो कंटेंट अवेयर टूल होता है ना वो, हाँ हाँ वो उसे आता ही नहीं था। एक का हो गया था, एक का तो मैंने करके भेज दिया था, पहला राउंड तो मैंने क्लियर कर दिया था। दूसरे सेकंड राउंड में ना उसने मतलब कैमरा ऑन करवा लिया, और निशान ने उसको भेज रखा था कि ये मिलेगा, तो वो सिस्टम में खोल के बैठी हुई थी। हाँ तो उसका डिस्क्वालीफाई हो गया। हाँ फोटोशॉप में बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, सिंपल था फोटोशॉप में। हाँ तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, इलस्ट्रेटर ज़्यादा बड़े टास्क थोड़े हैं, बहुत सिंपल सा तो टास्क था ही है। देखते हैं अभी। नहीं जा रहा कैमरा हाँ तो मोबाइल से कनेक्ट करो, वो भी तो ऐसे कर रही थी, मेरे लैपटॉप पे तो कर रही थी, मेरे लैपटॉप में कैमरा था तो मोबाइल से कनेक्ट कर रखा था। पैन को तो बहुत दिक्कत आती है, आंखें दर्द करती है। ये पॉइंट सही नहीं बना। अच्छा तो पॉइंट अगर ठीक ना बने ना तो पता क्या भी कर सकते, थोड़ा बहुत ऐसे मैंने थोड़ा इसको ऐसे राउंड सा कर लेता हूँ तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। चलो ये हो गया, पेन टूल ले लिया, थोड़ा वैसे करना चाहिए मुझे। ये हमारा हो गया ड्रॉ, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक और है शेप है ना, तो आपको क्या करना है, एक पेन टूल और लेना है, ये लाइन ये यहाँ से ड्रॉ करो इसे ऐसे ऐसे, और
इस तरीके से हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। और ना क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F9 पाथ फाइंडर, और यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया तो मेरे पास अब जो शेप आएगी, हाँ दोनों को देखो, ये वाली शेप की हमारी, इसका कलर मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने ये कलर दे दिया, आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है अपने पाथ के ऊपर, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब ट्रिम के बटन पे क्लिक कर देना, तो ये तो देखो बीच का रिमूव हो गया, तो हमारे पास पाथ जो आया है वो सिर्फ इतना आया है, ठीक है। अब सेकंड क्या करते हैं अपन, इसके अंदर ग्रेडिएंट देते हैं। फर्स्ट क्यों खराब होगी, क्या गायब हो गया, देखो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, इतना तो बन गया था, इतना ड्रॉ हो गया था। अब मैंने इसके ऊपर ना क्या करा, पेन टूल से ना, ये देखो पेन टूल से यहाँ और ड्रॉ कर दिया, क्योंकि तो मुझे ब्रेक भी तो चाहिए बीच में। तो अब फिर दोनों को सिलेक्ट करा, जो कल टूल बताया था मैंने, ये वाला टूल माइनस वाला, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से ड्रॉ हो गया ड्रॉ। अब आज का टॉपिक करते हैं, अब आज क्या करेंगे हम, इस पे ग्रेडियंट देंगे। तो ग्रेडियंट देने के लिए सबसे पहले बस मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल F9 शॉर्टकट है, तो ये मैंने ऐसे सेट कर दिया। अब जरा कलर मिलाते हैं, तो देखो मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया। अब सबसे पहले मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे ये वाला कलर चेंज करना है, तो शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आई ड्रॉपर टूल लिया। अब मुझे यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये ग्रेडेड नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पे मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे यहाँ पे ये कलर, अरे शिफ्ट नहीं दबाया मैंने, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक किया तो ये कलर आ गया। और एक और कलर चाहिए मुझे, कौन सा, ये वाला, तो शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ क्लिक किया, ये कलर आ गया। तो ये तो कलर सेट हो गया, बस अब मुझे तो मैच कराना है अभी से। तो मैच कराने के लिए मैंने जी दबा दिया, ठीक है। तो जी दबा के मैंने यहाँ पे ऐसे यू ड्रैग करा, देखो मुझे यहाँ पे इतना चाहिए ग्रीन, तो यहाँ से मैंने ऐसे ग्रीन कर दिया। यहाँ से मैं इसे घुमा भी सकता हूँ, ऐसे इसे मैंने ऐसे घुमा दिया ऐसे। इसके अमाउंट को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से इतना अमाउंट कम हो गया है, तो मुझे ये तो यहाँ तक जाना है, तो चलो कोई नहीं, इसे यहाँ ड्रैग करते हैं, इसके अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, ये तो सही जा रहा है, पर यहाँ पे मेरा ब्लेंड सही नहीं हो पा रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इसी कलर को लेता हूँ, और यहाँ पे ना मैं ऑल्ट दबा के एक क्लिक और कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये ग्रीन कलर मेरा यहाँ तक चला गया, यानी ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए, तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और मैंने ये वाला कलर ले लिया, तो यहाँ पे ये कलर आ रहा है, और यहाँ थोड़ा ब्लाइंड करना पड़ेगा मुझे, ये वाला कलर चाहिए, तो जी अगेन दबाया, आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ पे मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है। और यहाँ ऊपर मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो अब मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो ब्लू कलर कहाँ से आएगा, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं यहाँ से, ये देखो बड़ा कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है ये, तो यहाँ पे ऊपर मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला कलर दे देता हूँ, ब्लू वाला, तो मैंने क्लिक किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और ये कलर दे दिया, तो ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब मैं इसे घुमा देता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे घुमा दिया, इस तरीके से ऐसे घुमा दिया, इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ यहाँ पे, ये कलर को यहाँ से इस तरीके से, तो ये तो मैच कर रहा है, यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा अभी मेरा, तो ये चीज़ हमारी, अब यहाँ भी मैच कराना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये जो ये वाला पॉइंट है ये मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा कैसे, नीचे की तरफ ड्रैग करके मैंने रिमूव कर दिया, बस मैच कर रहा है अभी हमारा, ब्लेंड को थोड़ा सा बढ़ाए थे, एंगल यहीं से चेंज कर सकते हो तो और आसान है, मतलब चेंज करना, तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंड हो गया, क्या चाहिए, हाँ जी करके करा था। ये जी वाली, हाँ तो क्यों आप यहाँ से कर रहे हो, यहाँ एंगल सेट बैठ नहीं रहा होगा, है ना, तो यहाँ से मैंने ऐसे सेट कर दिया, ये
देखो मैच कर गया ना ग्रेडिएंट हमारा इस तरीके से, यहाँ मैच कर गया। थोड़ा बहुत और कलर लेके चल रहा है तो यहाँ पे आप करके कलर थोड़ा सा और ब्लेंड कर दो, तो यहाँ जब क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यही कलर रिपीट हो जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यहाँ पे बस, तो ये मैच कर गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से। अब बीच का सर्कल ले लेते हैं। अब देखो सर्कल जो है ना वो रेडियल है, वो रेडियल ग्रेडियंट है, तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे। नहीं, ये सर्कल से बनेगा। तो ये देखो सर्कल हमने इस तरीके से बना दिया। अब सर्कल मुझे सेम कलर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो मैंने सबको रिमूव कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ क्लिक किया और ये शिफ्ट दबा के ये कलर दे दिया, और यहाँ क्लिक किया शिफ्ट दबा के ये कलर दे दिया, यहाँ से फ्लिप कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास। इस तरीके से इसको कितना ब्लेंड करना है वो इससे सेट कर लिया यहाँ पे हमने। फिर अब मुझे पिंक कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और ये वाला टूल लेके मैंने यहाँ क्लिक कर दिया ऐसे, तो ऐसा आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ, इसको भी साइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको भी मैं ऐसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास ये ऐसा कुछ आ गया। स्ट्रोक को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, तो स्ट्रोक को मैंने यहाँ बंद कर दिया, देखो सेम आ गया ना। तो ये सेम ग्रेडियंट हमारा इस तरीके से सेट हो गया। आगे समझ में? ठीक है, आप इस पर क्लिक करना, स्ट्रोक को बंद कर देना। यहाँ से स्ट्रोक को बंद कर दिया हमने, और यहाँ से जितना ब्लेंड करना है अपने हिसाब से सेट कर लो। यहाँ पे थोड़ा बहुत सेट करना है अपने हिसाब से सेट कर लो, तो या कलर को थोड़ा लाइट भी कर सकते हो ऐसे, जैसे पर वही मैच सेम मैच कराने की कोशिश करना है यहाँ पे। समझ में आ गया ना? ये बनाने के बाद जी दबाना, जब बन जाए जैसे थोड़ा बहुत ग्रेडिएंट डाल दिया ना मैं, तब जी दबाना, तब यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखो ये वाला जो ऑप्शन है, होवर लेके जाओगे तो इससे रोटेट कर सकते हो, मतलब घुमा सकते हो ऐसे। ठीक है, ये ऑप्शन से आप घुमा पाओगे इसको। और सेकंड, अगर यहाँ पे जाओगे इससे आप यू ड्रैग कर सकते हो ग्रेडियंट को। ठीक है, इससे ड्रैग कर सकते हैं हम ग्रेडियंट को, यहाँ से ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो ये आ गया, तो आपको तो यही टास्क मिलेगा ऐसा, इस तरीके बनाना होगा। एक देखो ये बना लिया मैंने, ऐसे ही कंट्रोल जी कर लेता हूँ, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस ये चीज़ है कि ना आपको ग्रेडियंट, आप अगर कोई टास्क आता है आपके पास, लोगो बनाना है और सेम ग्रेडियंट मैच करना है, तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसलिए ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब ये दूसरा वाला लेके चलता हूँ। हाँ भेज दो, खुल के मत रखे, तू भी लॉक कंट्रोल 2 से लॉक। देखो जब आप ना ड्रॉ करते होगे ना, तो ना क्या होता होगा, ऐसे कलर आते होगे, तो आप ना फिल को बंद कर दिया करो, स्ट्रोक में भले ही कलर रख लो। पॉइंट कम से कम बनाना और सही सेट हो जाएगा। तो फोटोशॉप वाले तो पेन टूल है ये भी, मतलब पेन टूल तो जैसे फोटोशॉप में आपने यूज किया था, तो सेम ऐसा ही तो है, वही तो है। स्पेस बार से आप स्क्रीन को यूं ड्रैग कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल दबा के मैंने इसे एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसे लेटर्स निकाल लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जो कोशिश करना कि अगर आपका हाथ मूव कर सकता है, यानी कर्सर मूव जाएगा, तो ना इस पॉइंट को ब्रेक मत करना। देखो तो यहाँ तक मेरा चला जाएगा ये, तो मैंने यहाँ तक ये ऐसे ड्रॉ किया, अगेन ऐसे क्लिक करा, अगेन यहाँ क्लिक करा, अगेन यहाँ, अगेन ऐसे ड्रॉ करा, ऐसे आगे बढ़े, ये पॉइंट पे गए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कर्सर
ऐसे रख लेता हूँ बस, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ मुझे पता है कि ना मुझे यहाँ ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ना यहाँ क्लिक करके कंट्रोल दबा के से एडजस्ट कर सकता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे बस, इतना करने के बाद यहाँ से मैंने कोई कलर लिया। अब मुझे क्या करना है, फिर मुझे यहाँ पे इसके बीच में जो है वो ब्लैंक करना है। तो पेन टूल ले लिया, और पेन टूल लेके ब्लैंक यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया, ये आ गया। और इतना करने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने से क्या हुआ, ये अलग हो गया हमारे पास। और इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक करके ग्रेडिएंट ले लिया। ये डिफॉल्ट ग्रेडिएंट वही आया होगा जो हमने लास्ट अप्लाई किया था। आपने क्या करना है, इन सबको हटा देना, नीचे ड्रैग करके रिमूव हो जाएगा। और बस आपको ये वाला क्लिक किया, इसके ऊपर आपने आई ड्रॉपर टूल लिया, शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया, ये कलर आ गया। और यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करा, शिफ्ट दबा के ये कलर दे दिया, तो ये कलर आ गया हमारे पास। और ये तो आसान है, इसका तो ये वाला ज़्यादा आसान था। हाँ, आई ड्रॉपर टूल लिया, ये यहाँ पे इस पर क्लिक किया, ये देखो सेम बन गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं ज़्यादा, और ये मदीना को मिला था ये। और इसके बाद सर्कल ले गए, और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, और ये ग्रेडियंट मैंने दे दिया, रेडियल ग्रेडियंट। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इन सबको हटाया था फिलहाल में, और सेकंड मैंने आई ड्रॉपर टूल लेके ये कलर दे दिया। यहाँ से हमारा रिवर्स, ये रिवर्स हो गया। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, ये वाला कलर दे दिया, और इसके अंदर रेड कलर। पर देखो रेड कलर ब्लेंड हो रहा है, मुझे ब्लेंड नहीं करना। तो हम एक कलर और लेंगे रेड कलर, और यहाँ पे ना ये वाला कलर ले लेंगे, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके ले आएंगे। तो ये देखो ब्लेंड नहीं हो रहा अभी, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ, ये रहा इतना अमाउंट चाहिए, इसी को मैंने पिक करके यहाँ रख दिया। ऑल्ट दबा के डुप्लीकेट होता है, तो ये देखो मैंने ऐसा यहाँ पे ये रख दिया इस तरीके से। और हल्का हल्का ब्लेंड चाहिए मुझे, तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। सेम कलर लेने के लिए आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ पे ऐसे शिफ्ट दबा के क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करके ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया, स्ट्रोक को बंद कर देते हैं। यहाँ से हमने स्ट्रोक को बंद कर दिया, और इसको ये देखो सेट होके कंट्रोल पी कर दिया ग्रुप को, और इसको अपन अनलॉक कर लेते हैं, और इसको साइड में रख लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर दिया। तो देखो सेम बन गया, आगे समझ में। तो ये चीज़ देखनी है आपने कि पॉइंट कितने बन रहे हैं, पॉइंट कैसे बन रहे हैं, पॉइंट शार्प तो नहीं बन रहे, सेम आ रहे नहीं आ रहे। और एक चीज़ आपने देखनी है कि ग्रेडियंट भी तो सेम आना चाहिए। तो ये वाला तो थोड़ा सा खास में कलर का, इसमें तो काम था ये वाला। तो आ गया होगा आपको समझ में ग्रेडियंट का। अगर आपको फिल्म में ग्रेडियंट देना होता है तो आप इस तरीके से दे सकते हो, और अगर आपको स्ट्रोक में ग्रेडियंट देना होता है तो आप यहाँ क्लिक करके इस पे क्लिक करके ऊपर लाके फिर करोगे तो स्ट्रोक में ग्रेडियंट होगा। अब ये स्ट्रोक में ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। तो आज आपने ना ये पेन टूल और स्ट्रोक इसी की ग्रेडियंट की प्रैक्टिस करनी है। आपने अलग अलग ऐसे अल्फाबेट लेना, अलग अलग ऐसे इलस्ट्रेशन लेना, और इस तरीके से ड्रॉ करना, ठीक है, करके देखो बाकी। क्या रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ।